नमस्कार साथियों स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में साथियों जे एग्जाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है आप जे से रिलेटेड यूनिट वाइज़ वीडियोस बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे आज हम डिस्कस करेंगे जे के पेपर थ्री की यूनिट सेवन जिसका नाम है केस लॉज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक साथियों कलेक्टिंग बैंक क्यों कौन सा होता है कलेक्टिंग बैंक जो पे ही होता है जो बेनिफिशरी होता है उसका उसका बैंक जो होता है वो कलेक्टिंग बैंक कहलाता है जैसे हमने लास्ट वीडियो में पेइंग बैंक के बारे में जाना था अगर हम सेम अगर सिनेरियो देखें सेम एग्जांपल अगर देखें जिसमें मिस्टर ए हैं कोई जिनका अकाउंट एस में है वो एक चेक जारी करते हैं मिस्टर बी के फेवर में जिसका अकाउंट पी में है तो वो मिस्टर बी जो है उनको जब चेक मिलेगा तो वो अपने अकाउंट में चेक लगाएंगे पी में कलेक्टिंग कलेक्शन के लिए चेक देंगे जो क्लियरिंग में जाएगा तो उस केस में जो मिस्टर बी का बैंक है पी वो कलेक्टिंग बैंक होगा या फिर मिस्टर बी अगर फर्दर उसे एंडोर्स कर देते हैं उस चेक को मिस्टर सी को तो और सी का अकाउंट किसी और बैंक में है मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में है तो सी अपने बैंक अकाउंट में जब वो चेक लगाएगा तो उस केस में जो आईसीआईसीआई बैंक है सी का जो बैंक है वो कलेक्टिंग बैंक हो जाएगा तो इस वीडियो में हम जानेंगे कलेक्टिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या प्रोटेक्शन उन्हें एन एक्ट में मिले हुए हैं स्टैचुट्री प्रोटेक्शन कलेक्टिव बैंकियों वन थर्टी वन जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन एक सौ इकतीस प्रोटेक्शन देता है कलेक्टिंग बैंकर को इसमें कहता है कि नॉन लाइबिलिटी ऑफ द बैंकर हु हैज़ इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लीजेंस रिसीव्ड पेमेंट फॉर अ कस्टमर ऑफ चेक क्रॉस जनरली और स्पेषली टू हिम हिमसेल्प शेल नॉट इन केस द टाइटल ऑफ द चेक प्रूफ्स डिफेक्टिव इन एनी लाइबिलिटी टू द ट्रू ओनर ऑफ द चेक बाई रीजन ओनली ऑफ हैविंग रिसिव्ड सच पेमेंट ये कहता है कि कोई भी कलेक्टिक बैंकर जिसने अपने कस्टमर के बिहाफ पे कोई चेक कलेक्ट किया है और गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस अगर उसने कोई चेक कलेक्ट किया है और वो पेमेंट अगर रिसीव करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे उस चेक का जो कि या तो जनरली क्रॉस्ड हो यानी कि दो पैरलर लाइंस हैं उसमें जनरली क्रॉस्ड है या स्पेशली क्रॉस्ड टू हिमसेल्फ यानी कि क्रॉसिंग करके और उसी पर्टिकुलर बैंक का नाम उसमें लिखा हो मान लीजिए अगर पी कलेक्टिंग बैंक है तो स्पेशल क्रॉसिंग तब होती है साथियों जब दो ट्रांसवर्स पैरल लाइन जो ड्रॉ करने के बाद अगर उसमें बैंक का नाम भी अगर वहाँ पर मैंशन कर दिया जाता है साथ में तो फिर उस केस में वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाती है और उसमें उस वो जो पर्टिकुलर बैंक है उसी को राइट right होता है उस चेक का पेमेंट रिसीव करने के लिए तो अगर या तो जनरल क्रॉसिंग है तो उस केस में कोई भी बैंक कलेक्टिंग बैंक हो सकता है जिसमें पेई का अकाउंट हो या फिर अगर स्पेशल क्रॉसिंग है तो स्पेशली अगर वो ड्रॉन है मतलब तो उस बैंक का नाम मैंशन है उसमें तो तब भी वो कलेक्शन में ले सकता है तो इन दोनों केसेस में अगर या तो जनरली क्रॉस्ड है या स्पेशली क्रॉस टू दैट बैंकर उस बैंकर के लिए स्पेशली क्रॉस्ड है और वो गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस अगर पेमेंट रिसीव करता है वो बैंक बैंकर ऑन बिहाफ ऑफ इस कस्टमर उस केस में उस बैंकर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी और 131 में जो कंडीशन जो प्रोटेक्शन जो बैंकर को मिली हुई है वो साथियों कंडीशनल हैं कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए तभी ये प्रोटेक्शन बैंकर को मिलेगी फॉर कलेक्टिंग बैंकर टू क्लेम द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 131 थर्टी वन ही हैज़ टू कम्प्लाई विथ सर्टन कंडीशंस और वो कंडीशंस कौन सी हैं द कलेक्टिंग बैंकर शुड हैव एक्टेड इन गुड फेथ गुड फेथ में एक्ट किया होना चाहिए कलेक्टिंग बैंकर ने और ही शुड हैव एक्टेड विदाउट नेग्लिजेंस किसी तरह का नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए ही शुड रिसीव पेमेंट फॉर अ कस्टमर और वो जो पेमेंट उन्होंने रिसीव किया है कलेक्टिव बैंकर ने वो अपने कस्टमर के बिहाफ पर रिसीव किया होना चाहिए यानी जिस कस्टमर जिसके नाम पर रिसीव किया है उसका अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए द चेक शुड बी क्रॉस जनरली और स्पेशली टू हिमसेल्फ तो या तो वो चेक जनरली क्रॉस्ड हो यानी कि पैरल लाइन ट्रांसवर्स लाइन कुछ स्पेशली मैंशन ना हो या फिर उसमें उस पर्टिकुलर बैंक का नाम मैंशन हो जो कलेक्शन में उस चेक को ले रहा है तो ये अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर कलेक्टिंग बैंक जो है वो क्लेम कर सकता है वन थर्टी वन में जो प्रोटेक्शन है अब कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं साथियों टू ओपन अकाउंट विद प्रॉपर रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो कलेक्टिंग बैंक जब अकाउंट खोलेगा अपने कस्टमर का तो ध्यान रखें कि प्रॉपर रेफरेंस के साथ खोला गया हो और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसमें प्रॉपर होने चाहिए ड्यूटी टू कंफर्म द रेफरेंस वेयर द रेफरी इज नॉट नोन तो रेफरेंस है जो रेफरी अगर जो जिसने रेफ़र किया है वो अकाउंट कस्टमर को अगर वो नोन नहीं है तो उस केस में रेफरेंस को कंफर्म करना भी बैंक की जिम्मेदारी है इट इज़ ड्यूटी ऑफ द बैंकर टू इंश्योर दैट द चेक इज़ क्रॉस्ड स्पेसिफिकली टू हिमसेल्फ एंड इफ़ द चेक इज़ क्रॉस्ड टू सम अदर बैंकर दे शुड रिफ्यूज़ टू कलेक्ट इट अगर वो चेक साथियों किसी और बैंकर के लिए क्रॉस्ड है उसमें किसी और बैंक का नाम लिखा हुआ है मान लीजिए अगर उसमें जो बैंकर जिसके लिए जिसका नाम मेंशन है वो है एच बैंक तो उसको जो रिसीव करेगा कलेक्ट करने की जो ड्यूटी uh, है वो एच बैंक की ही है एच बैंक ही उसको कलेक्ट करेगा कोई और दूसरा बैंक उसको कलेक्ट नहीं करेगा सिमिलरली वेयर द चेक इज़ क्रॉस टू अ स्पेसिफिक अकाउंट देन क्रेडिटिंग द सेम टू अनदर अकाउंट विदाउट नेसेसरी इंक्वायरी वुड मेक हिम लाइबल ऑन ग्राउंड ऑफ नेग्लीजेंस साथ ही कई बार साथियों हो क्या होता है कि जो चेक है वो स्पेशल मतलब स्पेशली बैंकर के लिए तो क्रॉस्ड होता ही है उसमें अकाउंट नंबर भी मेंशन कर दिया जाता है कि ये चेक जो है ये इस पर्टिकुलर अकाउंट में ही जाना चाहिए इसका बेनिफिशियरी जो है इसके जो फंड्स हैं वो इस पर्टिकुलर अकाउंट में जाएँ तो उस केस में जब कलेक्शन में जब जाएगा वो चेक और कलेक्टिंग बैंक जब पेमेंट रिसीव करेगा तो वो पेमेंट जो रिसीव हुई है वो उसी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए जिसका जो उस चेक पे मेंशन हो अगर वो चाहे भले ही सेम कस्टमर हो लेकिन अगर उसके किसी और अकाउंट में अगर वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है उस केस में कलेक्टिंग बैंकर लाइबल होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ नेग्लिजेंस ड्यूटी टू वेरीफाई द इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अपरेंट डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट तो जो इंस्ट्रूमेंट जो चेक जो कलेक्ट कर रहा है कलेक्टिंग बैंक उसकी ड्यूटी है कि वो उसको वेरीफाई करे कि उसमें कोई ऐसा अपरेंट डिफेक्ट तो नहीं है कोई ऐसा ओवर राइटिंग या इस तरह की कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो देखने से नजर आ रही है कटिंग वगैरह तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मटेरियल अल्ट्रेशन जो विजिबल हो अपरेंट हो तो ऐसा अगर कोई डिफेक्ट है तो उनको वेरीफाई करना कलेक्टिंग बैंकर की ज़िम्मेदारी है ड्यूटी टू टेक इं अकाउंट द स्टेट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट तो कस्टमर के अकाउंट की स्टेट क्या है उसमें डोरमेंट तो नहीं है कैसे लेन देन कैसा हुआ है उसमें के वाई सी कॉम्पलाइंट है प्रॉपर है तो ये सारी चीज़ें जो है कलेक्टिंग बैंकर की जिम्मेदारी है कि वो अपने कस्टमर की सारी डिटेल्स को अकाउंट में रखे उसको पेमेंट क्रेडिट करने से पहले नेग्लिजेंस ऑफ कलेक्टिंग बैंक इन कलेक्टिंग चेक पेएबल टू थर्ड पार्टीज और थर्ड पार्टी को पेएबल कोई चेक मान लीजिए किसी और पर्सन को पेएबल है और रिसीव बो करके कलेक्टिव बैंक किसी और अकाउंट में अगर उसको क्रेडिट कर देता है उस केस में भी नेग्लिजेंस मानी जाएगी तो इस तरह की नेग्लिजेंस भी नहीं होनी चाहिए यानी कि कलेक्टिव बैंक की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उसका जो कस्टमर है उसका अकाउंट जो है केवाई सी कॉम्प्लाइंट हो उसमें जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपर हो रहे हो साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट आया है कलेक्शन में उसमें कोई डिफेक्ट ऐसा अपेरेंट ना हो जो सामने से दिखाई देता हो अगर ये सब कंडीशंस अगर जो है वो कलेक्टिंग बैंकर जो है वो फुलफिल करता है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है उस केस में उसको पूरी प्रोटेक्शन है चाहे भले ही वो चेक बाद में फॉर्ज निकलता है कोई उसमें कमी निकलती है कोई डिफेक्ट निकलता है उस केस में भी कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलेगा एन एक्ट के वन एक्ट सेक्शन वन वन के अंडर तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और साथियों कमेंट करके अपने फीडबैक दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो वो भी कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ शेयर करें जो जे एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू